हेलो दोस्तों, सीट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि आज जब 29 जून को हम मार्केट क्लोज हो चुका है, तो वापस कल 30 जून को मार्केट जब ओपन होगा, तो कल कौन से ऑप्शन में, इंडेक्स के कौन से ऑप्शन में हमने काम करना चाहिए और कब ट्रेड लेना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन में प्रॉफिट चाहिए तो पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है उसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो चीज पता चलता है तो फिर कब कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कौन सा ऑप्शन खरीदना है, वो चीज हमें आगे पता करना है। तो पहले आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए कल ऑलरेडी आज का अगर आपने वीडियो देखा होगा फ्यूचर का, तो वह यही से हमने शॉर्ट सेल कैरी किया हुआ है। और कल कोई भी रीजन की वजह से अगर हमारे 33,416 और 520 के बीच में मिलता है तो शॉर्ट सेल ही करना है। ओके, और मार्केट अगर यहाँ पे जाएगा तो बाय करना। इसी का मतलब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो भी ये रेंज में मिलता है तो हमें पुट खरीदना है। लेकिन अभी पुट खरीदना है तो कौन सा पुट खरीदना है, और अगर मार्केट बाय रेंज में चला जाता है तो कॉल खरीदना है तो कौन सा कॉल खरीदना है, उसका प्लानिंग करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से कॉल में कल हमें काम करना है। तो आपके लिए सपोज निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। बैंक निफ्टी का 33,300 का जो पुट रहेगा 7 जुलाई का, उसको हम खरीदेंगे, या तो 33,600 का जो हमारा कॉल रहेगा 7 जुलाई का, उससे करना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है, कल जो एक्सपायरी होने वाला है उसमें ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए 33,700 के पुट में या तो 33,600 के कॉल में कल हमें काम करना है। ओके, ये प्रोसेस आपके लिए मैंने बता दिया। अभी पुट में काम कब करेंगे, सपोज दैट अगर मार्केट यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि अभी जो लेवल वहां से लेके यहाँ पे कहीं पे भी ये सेलिंग रेंज में मिल जाता है तो सीधा 33,300 के पुट को खरीद लेना है। वहां से मार्केट जब नीचे आएगा तो ये जो हमारे टारगेट है, ये टारगेट को जब मार्केट हिट होता है तो उस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना है पुट में से। इतना सिंपल सा। और कहीं कोई भी रीजन की वजह से अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है और बाय पॉइंट को क्रॉस होता है तो ही आपको पुट में से एग्जिट करना है। या तो सपोज अगर कल ओपनिंग ही बड़ा गैप अप हो जाता है और मार्केट सीधा बाय पॉइंट में चला जाता है तो 33,600 के कॉल को खरीदना है, और तभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे ये टारगेट को जाएगा तो वो पुट में से कॉल में से हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये प्रोसेस करना है। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 33,000 यहाँ पे 300 का पुट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आज आज ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि 33,400 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है तो डाउन ट्रेंड चालू होने वाला था। तो जैसे आज मार्केट डाउन गिरा पहले आधे घंटे में, इसी का मतलब अपना पुट बढ़ने वाला था तो पुट ऊपर चला गया। उसके बाद ये पूरा पुल बैक चल रहा था, लगभग मार्केट ने पुल बैक किया और वही से मार्केट रिवर्स हुआ। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी ने कल का आज के लिए जो लेवल मैंने दिया था यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म दे दिया, उसके बाद पुल बैक कर रहा था और ये रेंज हमारा सेलिंग का था। तो ये रेंज में मार्केट जब आया तो हम क्या करेंगे, पुट खरीदने वाले थे। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, सपोज अगर आप पुट खरीदेंगे तो आपको देखो जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये खरीदने का मौका है। पुट हमने खरीदा होगा और वहां से मार्केट ऊपर गया। तो आप अगर लाइव मार्केट में भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि जब 2:10 हुआ है तो 33,300 के पुट को मैंने 420 430 के रेट में खरीदा, 270 का टॉप लॉस लगा दिया और 623 715 का टॉप टारगेट लगा दिया हुआ। ये आराम से कैलकुलेट हो जाता है। ये 2:10 को मैंने लिया और 400 अपना रेंज 420 430 के रेट में हमने ये खरीदा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे 420 लगभग 404 का लो दिख रहा है और यहाँ पे 403 का लो दिख रहा है। तो ये पूरा बाइंग का जोन था मार्केट में और उसके बाद अभी 500 पे रुका हुआ है और कल के लिए पोजीशन हमने होल्ड किया हुआ है। ये प्रोसेस हम मार्केट में कर सकते हैं, या तो आप सीधा कल भी अगर पोजीशन लेना चाहते हैं तो यही 33,300 के पुट को ही खरीदेंगे। अगर कल मार्केट में गैप अप हो जाता है और अपने बाय रेंज को मार्केट क्रॉस करता है तो ही 33,600 के कॉल के बारे में सोचना है और पुट में से एग्जिट करना है। ये होगा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कॉल में कैसे काम करना है या तो पुट में कैसे काम करना है। यही यूज करके, यही नॉलेज यूज करके अभी हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी के लिए कैसे करना है, निफ्टी में हमारा ऑप्शन का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, आज मार्केट ने गैप डाउन किया और ये जो भी गैप था वो पूरा फिल को नहीं करने की कोशिश किया है। लेकिन जैसे कल भी मार्केट ने कोशिश किया था, सेकेंड टाइम आज कोशिश किया हुआ है, तो अभी कल मार्केट में कुछ ना कोई बड़ा मूवमेंट होने ही वाला है, एक ट्रेंड मार्केट में आएगा। तो हमें क्या करना है, देखो जब भी मार्केट में मोमेंटम होता है तो ऑप्शन में काम करने का सबसे मजा रहता है। तो आपको देखो 15,765 और 15,725 का रेंज अगर मार्केट में चलता है तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आने वाली है, और अगर 860 और 905 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ही मार्केट में बाइंग आने वाला है। तो ये रेंज का हमें यूज क्या करना है, देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमें पुट खरीदना है, और जैसे ही मार्केट ये रेंज को क्रॉस करेगा अपसाइड में
तो ही कॉल खरीदना है। अभी बात आती है कि एग्जैक्टली कौन सा कॉल खरीदना है और कौन सा पुट खरीदना है। तो 15,700 के पुट में हमें काम करना है, 175 समथिंग अभी आज के रेट में क्लोज हुआ है, तो कल मार्केट जो भी रेट में मिलेगा तो हम पुट खरीद सकते हैं। और या तो अगर मार्केट बाइंग रेंज में चला जाता है तो 15,800 का जो कॉल रहेगा वो कॉल खरीदेंगे, वो भी सपोज 179 है। और जो ये मैं बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, वो करंट एक्सपायरी 30 जून में नहीं करना है, हमारा जो 7 जुलाई का नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी रहेगा उसमें हमें ये काम करना है। तो जैसे ही मार्केट ये रेंज में हमारे लिए मिलता है, हमने जो ये रेंज निकाला हुआ ये रेंज में मार्केट चलता है, तो आपको सीधा 15,700 का पुट खरीदना है। और मार्केट जैसे ये टारगेट को जाएगा उस टाइम पे वो पुट्स में से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। और या तो ये मार्केट अगर बाय ट्रेंड में चला जाता है तो फिर हम कॉल की बात करेंगे, तभी कॉल की बात करेंगे। और फिर मार्केट अगर हमारे टारगेट को जाता है तो कॉल में से भी प्रॉफिट बुक करेंगे। इतना सिंपल तरीके से अगर आप मार्केट में ऑप्शन में काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से पैसा आ सकता है। इसमें ये स्ट्राइक प्राइस में कैसे डिसाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है। जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बता दिया वही स्ट्राइक प्राइस आपको फॉलो करना है। मतलब आपको टाइम डिके जो रहता है मार्केट में वो ज्यादा तकलीफ नहीं करेगा, और मार्केट में मोमेंटम आएगा तो अपने आप आपको प्रॉफिट बनेगा। मेन डायरेक्शन पता करना होता है, जो आपको यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन पता चलती है। तो आपको वापस एक बार समराइज कर देता हूँ, 15,700 के पुट में काम करना है या तो 15,800 के कॉल में काम करना है। रेंज आपके सामने रखा हुआ है, वो रेंज को मार्केट जाएगा तो ही आपको ट्रेड लेना है, या तो 33,600 के कॉल को काम करना है या तो 33,300 के पुट को काम करना है। निफ्टी का रेंज हमारा ये 15,725, 15,765 या तो 15,860 और 905 के ऊपर जाएगा तो बाय रहेगा, और ये रेंज में आएगा तो सेलिंग रहेगा। वैसे बैंक निफ्टी का जो मैंने निफ्टी का जैसे लिखा है, वैसे बैंक निफ्टी का ये रेंज है 33,410 से लेके 520 के बीच में शॉर्ट सेल करना है। और अगर मार्केट 725 और 829 के ऊपर निकल जाता है तो ही मार्केट में बैंक निफ्टी को बाय की कोशिश करना है, तब तक मार्केट सेलिंग करेंगे। और आज एग्जैक्टली वही हुआ है, और आज ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है, इसीलिए पुट को मैंने कैरी किया हुआ है बैंक निफ्टी का। निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था तो कल वापस उसमें हम नया बैंक निफ्टी में कोशिश करेंगे नया पुट में बाइंग करने की, या तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो कॉल में ट्रेड लेने की। अदरवाइज अभी हमने जो ट्रेड लिया हुआ है आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि 33,300 के पुट को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, 420 430 में लिया हुआ है, 500 भी चल रहा है, 270 का स्टॉप लॉस लगा के हम मार्केट में होल्ड करेंगे। कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो सीधा सीधा टारगेट को प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।